अन्याय से बचना हो तो कर लेना पढ़ाई, शोषण में न पिसना हो तो कर लेना पढ़ाई, अपमान से बचना हो तो कर लेना पढ़ाई, नुकसान से बचना हो तो कर लेना पढ़ाई। बीमारी भगानी हो तो कर लेना पढ़ाई, सेहत जो बनानी हो तो कर लेना पढ़ाई, इज्जत को बचाना हो तो कर लेना पढ़ाई, हो भाई पढ़ाई है बहन पढ़ाई। कर लोगे पढ़ाई तो बन जाए सारे काम, अपना लिखोगे नाम उनका पढ़ोगे नाम, फिर जिंदगी में कोई ना अपमान कर सके, एक बार की मेहनत है ता उम्र का आराम, एक बार की मेहनत है ता उम्र का आराम, एक बार की मेहनत है ता उम्र का आराम। कल थोड़ी देर तुम्हारा नाम पर्ची वाला खेल देखा, अच्छा था, फिर हम वहां से चले आए, सब ठीक ठाक रहा ना? जी, राम रतन ने पर्ची निकाली तब थे आप? नहीं, उसने थोड़ी परेशानी कर दी। क्यों, क्या हुआ? हुआ ये कि सबने तो अपने नाम की पर्चियां एक या दो बार में निकाल ली, मगर उससे निकली नहीं, और नहीं निकली तो उसे लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई। अच्छा। और वहां का तो नजारा ही बदल गया। ध्यान से ढूंढो, पर्ची जरूर निकल जाएगी। तुमने अपने नाम की पर्ची पहचानी होगी, लकीरें कहां से गुंडी जैसे थी, कहां से सीधी थी, वो चित्र याद होगा ना तुम्हें? अपने नाम की पर्ची वाला निकल जाएगी। कोशिश करो, पर्ची जरूर निकलेगी भाई। क्यों करूं, का फायदा पर्ची निकाल पे थे? ये सब तो फिजूल है। हां, जमना निकली तो फिजूल है। हां फिजूल बता रहे हैं। मैं तो जा रहा हूं भैया, तुम्हारे खेल में पड़ गए तो खेलोगा, तड़के पानी लगा लो। अरे बैठो बैठो, सही रहा जी, घर रखो अपनी धर्म संकला जयराम जी की। अरे अरे बनवारी, गलत बात नहीं देखो, बनवारी के बच्चा पास सामने तेरी एक मिनट उड़ निकाल दूंगा। अरे तो चेते काय को है, तो मैं देखूं अभी। ले बैठ जा, ले मैं सामने आगे लेकर क्या करेगा। अरे अरे खेल तो पूरा करना ही पड़ेगा। दरअसल तुमने पर्ची ध्यान से देखी नहीं थी, मैं तुम्हें एक बार फिर से दिखाता हूँ। ध्यान से देख लो, मुझे तो सारी पर्ची एक जैसी लग रही है। अरे एक जैसी कहाँ है। अच्छा तुमको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक लतीफा है कि एक जज ने एक किसान से कहा कि भाई भैंस तो तुम्हारी मिल जाएगी, मगर ये बताओ कि तुम 200 भैंसों में से अपनी भैंस कैसे पहचानोगे? तो किसान बोला कि जज साहब, मैं रोजाना कचहरी में आता हूँ, यहाँ काले कोट वाले सैकड़ों वकील घूमते हैं, मैं अपने वकील को कैसे पहचान लेता हूँ? बिल्कुल, वैसे ही तू अपनी पर्ची पहचान ले। राम रतन, तुम सारे ढोर ढंगरों में अपना बैल पहचान लोगे कि नहीं? उसी तरह पर्ची पहचानो, पहचान पहचान, देखो अब तो मिल जाएगी भाई। राजिंदर ने भी निकाल ली अपनी पर्ची, जल्दी निकाल निकाल देख के निकाल, याद कर, देख किसके आगे पीछे रखी है, देख जल्दी से निकाल। हाँ ये, वाह भाई वाह, क्या कह रहे हो, देख कैसे मुस्कुरा तेरी तो मेहनत रंग लाई भाई, कमाल हो गया। लतीफे का अच्छा इस्तेमाल किया तुमने। देखो चंदर, कभी कभी जो बात बड़े बड़े भाषणों से समझ नहीं आती है, वही बात एक छोटे से किस्से, कहावत, कहानी, लतीफे, गाने या कविता से समझ आ जाती है। तुम देख लेना, राम रतन आज जरूर आएगा। जी जरूरी नहीं है। क्यों? वो तो जाते जाते भी कह रहा था कि कहाँ काम आती है पढ़ाई, आ भी सकता है और नहीं भी। देखो चंदर, अगर तुम्हें जरा सा भी शुबा है कि आज वो नहीं आएगा, तो आज कक्षा लगने से पहले उसके पास जरूर जाना, क्योंकि अगर आज वो नहीं आया तो समझो हाथ से गया। देखो बेटा, तुम्हें हर पढ़ने वाले की दिक्कत को अच्छी तरह समझना होगा।
अगर उसके समझने की गति कुछ कम है क्या? अगर उसके समझने की गति कुछ कम है तो उसे अलग से समय देना होगा। अभी तो शायद वो खेत पे मिलेगा। भाई वो जहां भी मिले। हाँ, तुम्हारे लतीफे पे एक किस्सा मुझे भी याद आ गया। सुनाइए। वो चाहे तो तुम ऐसे ही सुना देना, या कोई कहानी बना लेना, या कविता बना ले। अरे अपने बनवारी को कहना ना, वो गा के सुना देगा। ठीक है तो सुनाओ। हाँ। ओमी की शादी हुई, तुम्हें सुनाऊं बात, क्या रौनक क्या बताऊं, बरनन की ओ नजात। बने हम सभी बराती, आ गए संगी साथी, रूप सब सुंदर साजे, घोड़ी पर ओमी, ओमी के आगे बाजे बाजे। है दूल्हा मन ही मन हर्षात, घूमी पूरे गांव बरात, सवेरे हुई विदाई, दुल्हन पी के घर आई। सुनो अब आगे भाई, रात हुई तो फूल हाथ ओमी के दिया दिखाई। तो भैया हमारा ओमी फूल लेके चला दुल्हन की ओर। दुल्हन बैठी थी सिमटी सिमटी सी। फूल देते हुए ओमी ने पूछा, तेरा नाम क्या है प्यारी? दुल्हन लजा गई। ओमी फिर से बोला, अरे अपना नाम तो बता प्यारी। दुल्हन और शर्मा गई। भाई पहली मुलाकात में कैसे बोले, पिया के आगे कैसे मुंह खोले। अब ओमी ने रौब से कहा, अपना नाम बता। दुल्हन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, उस पर गुदा हुआ था चमेली। अब अपने ओमी साहब पढ़े लिखे हों तो पढ़ें, ये तो बेइज्जती हो गई भैया, कनी मूछे हो गई डाउन। वैसे ट्रेनिंग के समय तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारी प्राइमर के पहले पार्ट नाम पर भी ओमी चमेली का चित्र है। ये किस्सा तो बहुत मजेदार है। और उन लोगों के लिए जवाब है जो ये कहते हैं पढ़ाई लिखाई की जरूरत कहां पड़ सकती है। जनाब सुहाग रात में भी पढ़ सकती है। तुम्हें और जो सहायक सामग्री मिली है ना, उसमें नौटंकी लिखी है। इसके अलावा कई किस्से, गीत, कहानियां, बहुत कुछ लिखा है जो तुम्हारे और सरला के उपयोग में आ सकता है। चलो अब इस पर्ची वाले खेल को आगे बढ़ाते हैं। रामरतन तुम अपने नाम वाली पर्ची निकालो और यहाँ पर आओ। अच्छा जी। देखो भाइयों, ये है हमारी वर्णमाला और इसमें है कुल मिला के 45 अक्षरों का जादू। 45? हाँ 45। सारी पढ़ाई लिखाई है ना जो इन्हीं अक्षरों में समाई है, समझे? निकाल लीजिए। निकाल ली। देखो अपने नाम के अक्षर हैं और इसमें उन्हीं अक्षरों को ढूंढो। कहां पर है वो? नहीं समझे? दिखाओ, मैं समझाता हूँ। तुम्हारे नाम का पहला अक्षर है रा और ये रा वर्णमाला मेरा। एक जैसे है ना? बिल्कुल एक जैसे है जी। अब ये मा है, वो वर्णमाला में ढूंढो कहां पर है। माँ, ये रहा जी, बिल्कुल एक जैसा जी। मैंने भी ढूंढ लिया जी अपने नाम के अक्षर। अब भाई कैसे ढूंढे? देखो भाई, जैसे हमारा शरीर है ना, वैसे ही अक्षरों इन शब्दों के भी शरीर होता है। अच्छा बताओ, हमने जिसके घर में सेंटर खोला है उसका क्या नाम है? बनवारी। बनवारी, ठीक है। तो क्या वो इस वक्त यहाँ पर है? नहीं, बनवारी इस वक्त यहाँ पर नहीं है, मगर उसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में उसकी छवि आ गई। अब मैं एक पर्ची पर उसका नाम लिखता हूँ बनवारी, और गांव में जाता हूँ और लोगों को दिखाता हूँ। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, मगर जो पढ़ा लिखा है वो समझ लेगा और पढ़ लेगा बनवारी। बनवारी? क्या हुआ बनवारी को? और बनवारी पढ़ते ही उसके दिमाग में हमारे बनवारी की छवि आ जाएगी। सो तो है। अब दूसरे गाँव से चिट्ठी आती है, बेटी ने भेजी है। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए तो काले आकर भैंस बराबर, मगर जो पढ़ा लिखा है उसको ये काले आकर पूरी कहानी सुना देंगे। बेटी ने लिखा है,
मुन्ना पालने में खूब हाथ पैर चलाने लगा है। सासू जी ठीक हो गई हैं, कामकाज करने लगी हैं। भैंस हमारी खूब दूध दे रही है। कल चौपाल पर बड़े नगाड़ों का तमाशा हुआ, मेरी जेठानी खूब नाची। तो चिट्ठी क्या है, कागज का एक टुकड़ा, मगर पूरी तस्वीर बनी है इसमें। अभी ये तस्वीर इस कागज पे तो नहीं बनी हुई थी, इस पे तो सिर्फ आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई थी, अक्षर लिखे हुए थे, मगर पूरी बात समझ में आ गई। ये अक्षर, ये शब्द क्या है? ये भी तो तस्वीर है, चित्र है। अब देखो, ये लंबी रेखा, ये खड़ी रेखा, ये गोल लाइन, ये सांकल जैसी घुंडी और ये हसवे जैसी तिरछी। इन सब लाइनों से बन गए तरह तरह के अक्षर। पर बहना, ये लिखा कहाँ है? अरे उतावली मत कर, अभी तो खुद ही बता देगी। मैं बता दूंगी? लो भला, मैं कैसे बता दूंगी? अरे गारंटी से बता देगी। और तू क्या, सब बता देंगी? कैसे? अभी देखो। मैंने कहा था ना, सब लोग बता देंगी। अच्छा मैं कहती हूँ ये तो गाय है। अरे रमिया तुम आगे आ जाओ, तुम मेरे पास बैठा करो। ए बीबी जी, ये तो शेर है, गाय थोड़ी है। मैं तो कह रही हूँ ये गाय है। और तेरे कहे से शेर क्या गाय हो जाएगा? मैं तो अड़ गई कि ये तो गाय है, तू ही समझा कैसे शेर है। हेलो, ये भी कोई जबरदस्ती है का? अच्छा पर इसके सींग कहाँ है? देख ली सरला, तू इसका दूध गाड़ के दिखा दे। चलो सबके सामने तो झुक नहीं पड़े हैं, हटाओ मान लिया कि ये शेर है। अब हम सब मानते हैं कि इस जानवर का नाम शेर है और ये शेर की तस्वीर है, ठीक है? अब जिस आदमी को पढ़ना आता है उसे अगर तस्वीर ना भी दिखाएं ऐसे, तो वो समझ जाएगा कि ये शेर लिखा हुआ है और उसके मन में शेर की तस्वीर अपने आप ही खिंच जाएगी। देख तू तो बात घुमाए, सीधी सी बात है, ये शेर की तस्वीर है और ये शेर लिखा गया है। बिल्कुल ठीक, ये बात तो समझाई है चाची। चलो तेरी समझ में अब आई है। अच्छा बताओ ये गाय, गाय ये गाय का फोटो असली गाय के बराबर है क्या? नहीं तो, ये तो बहुत छोटा है, इसके लिए इतना बड़ा कागज कहाँ से मिलेगा? हाँ तो ये है गाय शब्द का फोटो, इसमें तो अधिकम कागज लगेगा, इतना सा लिख दिया गाय। अच्छी बात। अब ये बताओ, बकरी, बकरी, जे बिल्ली और जे हाथी। हाथी हाथी हाथी। अभी बताती हूँ। बच्चे हैं, अपने आप मान जाएंगे, और ना भी माने तो गांव के किसी बुजुर्ग से कह देना या फिर खुद ही कभी समझा देना, डांटोगी तो और शोर करेंगे। इन 45 अक्षरों से ही शब्द बनते हैं, और शब्द के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म, जे का चीज हुई भैया? इसका मतलब ये हुआ कि शब्द ब्रह्म की तरह है, जैसे ब्रह्म में, ब्रह्मांड में सब कुछ समाया हुआ है ना, उसी तरह से शब्द में भी सब कुछ समाया हुआ है। सोचो एक जरा सी किताब में पूरी दुनिया की बातें आ जाती है कि नहीं? ये तो भली गई। अब किताब में शब्द ही तो है और क्या है, और शब्द बनते हैं वर्णमाला के अक्षरों से। ये अक्षर क्या है? हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से तरह तरह की आवाजें निकलती हैं। इन अलग अलग आवाजों को अलग अलग पहचानने के लिए हमने उनके अलग अलग चित्र बना दिए। ये आवाजों के चित्र ही अक्षर कहलाते हैं। इन सारी आवाजों के लिए क्या बस इतने अक्षर हैं? हाँ, हम जो बातचीत में आवाजें प्रयोग में लाते हैं वो सारी आवाजें इन अक्षरों में आ जाती हैं। और इस वर्णमाला के बनाने वालों ने तो कमाल ही कर दिया, स्वर अलग, व्यंजन अलग। जी क्या हुआ भाई, एक जैसी आवाजों को अलग अलग रख दिया, जैसे एक जैसा काम करने वालों के अलग अलग मोहल्ले होते हैं ना, उसी तरह आवाजों के भी अलग अलग मोहल्ले बना दिए। जैसे दांत का मोहल्ला, होंठ का मोहल्ला, तालू का मोहल्ला और जीभ का मोहल्ला। सही बात कही भाई, पर खुलासा करके बताओ। देखो तुम्हारा नाम है लक्ष्मी, अब ला ला बोला तो जीभ ऊपर से टकराई, बोल के देखो ला ला, ला। अब बोलो खा खा, खा बोला तो जीभ के दोनों किनारे ऊपर टकराए, है ना? अब बोलो मी 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 बोला तो दोनों होठ मिल गए। तो ये सारी आवाजें मुंह में अलग अलग जगह से पैदा हुई, कोई कंठ से सीधे निकल के आई तो कोई होठ के मिलाने से आई, कोई दांत और जीभ के बीच से निकली, है ना? अच्छा बिना होठ मिलाए प्रेम प्रकाश बोल सकते हो? बोल के बताओ। प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश जी, बिना होठ मिलाए ना बोल सके प्रेम प्रकाश। हाँ तो बिल्कुल ठीक,
बिना होठ मिलाए प्रेम प्रकाश नहीं बोल सकते, बोल के देखे तो जो सारे अक्षर होठ मिलाने से बोले जाते हैं उनका बना दिया एक मौला, एक वर्ग। देखो प प ब भ और म, इन सब में होठ मिले, और ये वाला है त का वर्ग जिसमें दांत जीभ से टकराते हैं, है ना। त थ द ध न, ठीक है ना पसाई साहब। पुराने जमाने के लोगों के दिमाग बहुत ऊंचे थे। अरे भाई ऊंचा था तभी तो ए आ ई ई से लेके क्षत्रज्ञ तक की ओलम बना दी। ये ओलम पढ़ाई की पहली किताब में लिखी रहती है और बच्चे पढ़ते हैं ऐसे अनार आ से आम, छोटी ई से इमली, छोटी से इमली, बड़ी ई से ईख, बड़ी से ईख, छोटे उसे उल्लू, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊंट, बड़े उसे ऊंट। भाई मुकेश बच्चे जरा वर्ण वाला तो सुनाओ पूरी। ए नार आ से आम, छोटी इमली, बड़ी ईख, छोटा उल्लू, बड़ा ऊंट, नर सी एक पैया ने कोकली और तक अंग अंग रहा है के कबूतर खा कर घोस गया गदा गया गड़ी और खाली चतुर का छ छत्री जय जड़ झरना देखा टट मट ठट रे डे डलिया ढड़ कनन खाली चत तत की था तन दे दवा दद नोस न नल पे तंग फैफल वेवर स सस गम सस कल सस लेटी है का छ छत्री तर तर शुल गज्ञानी। बच्चे तो रट लेते हैं पर इस चार्ट को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, हम सीखेंगे दूसरे तरीके से। इसे शुरू करने में एक तो पूरी वर्णमाला रटनी पड़ेगी और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अच्छा चाची एक बात बताओ, बाजार में एक लाइन से दुकान लगी हुई है, हमारी जरूरत का सामान बिक रहा है, तुम सबसे पहले किस दुकान में जाओगी? जो सामान ज्यादा जरूरी होगा पहले उसी पे जाऊंगी। अच्छा चाची क्या तुम हर दुकान से कुछ ना कुछ खरीदोगी? तू पैसा दे दे तो पूरे बाजार खरीद लाऊंगी। पैसा पैसा कहाँ है चाची, इसलिए हर दुकान से एक साथ नहीं खरीद सकते, आज कुछ खरीद लिया कल कुछ और खरीद लेंगे। इस तरह से सीखने का जो दूसरा तरीका है वो है जरूरत का तरीका। आज कुछ अक्षर सीख लिए उनसे काम चला लिया, कल कुछ और सीख लेंगे और धीरे धीरे सारे अक्षर आ जाएंगे और रटने भी नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले वो सीखे जो आसान है, ठीक? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा ओमी और चमेली का किस्सा तो मैंने तुम्हें बताया है ना? हाँ। खोलो अपनी किताब, खोलो भाई। सबसे पहला पाठ नाम। बीवी जी कहाँ है? पाठ देखो नाम ये ये अच्छा ये लिखा हुआ है नाम, पहचान लो इसे अच्छी तरह, जैसे पर्ची में अपने नाम पहचाने थे, ठीक है। इसमें दो आवाजें हैं ना और म, ये क्या है ना और ये म, बिल्कुल ठीक। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं न आ म, ये क्या है, इसे कहते हैं आ का डंडा, जिसके भी पीछे पड़े उसमें अपनी आवाज मिला दे। न के पीछे पड़ा तो हो गया ना, जैसे किसी के डंडा मारते हैं ना तो आवाज निकलती ना आ, बिल्कुल वैसे ही न के पीछे पड़ा तो क्या हो गया ना, बिल्कुल ठीक। अब म के पीछे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा मा, मुंह तो बंद कर ले। बिल्कुल सही। अब चलो मैं तुमको एक बात कार्ड से समझाता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है ना, और एक मैंने लिया ये न, अब इसके पीछे भी लगाया ये आ का डंडा तो क्या हो गया ना, बिल्कुल ठीक। अब एक न और लिया और यहाँ लगा दिया, ये क्या नान, बिल्कुल सही। अब ये एक आ का डंडा दूसरे न पर भी लगाया तो क्या हो गया नाना, बिल्कुल सही। अब तुमको देता हूँ मैं एक कार्ड, तुम भी शब्द बनाना है। ये लो माँ आपका डंडा, ये तुम बड़े वाला काट लो चंदा, ये माँ चीजें थी हमारे पास सिर्फ तीन और बन गए कितने सारे शब्द। देखो नम मन, नाम मान, नाना मामा, नामा माना, मनन मना, गिनो तो पूरे दस। हाँ एक मात्रा और दो अक्षर ये कुल तीन थे बस, इनसे शब्द बन गए दस।
एक मात्रा और दो अक्षर ये कुल तीन थे बस, इनसे शब्द बन गए दस। पैतालीस अक्षर की माया, पैतालीस अक्षर की माया, इनमें पूरा ब्रह्म समाया। जरा समझ कर सीखेंगे तो खूब मिलेगा रस, सारे शब्द बन गए दस। एक मात्रा और दो अक्षर ये कुल तीन थे बस, इनसे शब्द बन गए दस। वक्त कम लगा ज्यादा पाया, वक्त कम लगा ज्यादा पाया, कितना खुश है जो भी आया। पढ़ना लिखना सीख जाए तो नहीं रहे बेबस, देखो शब्द बन गए दस। एक मात्रा और दो अक्षर ये कुल तीन थे बस, इनसे शब्द बन गए दस। ध्यान रहे हर कोई आए, ध्यान रहे हर कोई आए, कोई भी छूटने ना पाए। ढाई आखर याद रहे तो होए न करते मत। कौन से ढाई आखर याद रहे? प्रेम के। हाँ, ये ढाई आखर हमेशा याद रखना। ढाई आखर याद रहे तो होए न करते मत, सारे शब्द बन गए दस। एक मात्रा और दो अक्षर ये कुल तीन थे बस।